राधेमा माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर एंजॉयिंग योर स्टडी. सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ चैप्टर 1. नाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस. सो आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, एक्सरसाइज ए ऑन द पेज नंबर 14. ओके, सो फर्स्ट, अर्ली मैन काउट मार्क्स ऑन डैश इन ऑर्डर टू कीप द रिकॉर्ड्स. अर्ली मैन काउट्स मार्क्स ऑन डैश इन ऑर्डर टू कीप द रिकॉर्ड्स. सो वी हैव लर्न दैट अर्ली काउंट इन द टॉपिक ऑफ अर्ली काउंटिंग टूल्स. अर्ली काउंटिंग टूल्स में जो हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर्स बैक जो अर्ली मैंस होते थे, अर्ली ह्यूमंस, वो कैसे अपनी थिंग्स के रिकॉर्ड रखते थे? टू काउड ऑन द क्ले, क्ले पर ऐसे निशान बना के वो अपने रिकॉर्ड्स रखते थे. सो आंसर इज ए, क्ले. अर्ली मैन काउड मार्क्स ऑन क्ले इन ऑर्डर टू कीप द रिकॉर्ड्स. सेकेंड वन, द डैश जनरेशन इज यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स. वी हैव लर्नड अबाउट ऑल द जनरेशंस एंड द फीचर्स वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द सेकेंड जनरेशन यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स. मैग्नेटिक टेप्स वे आर यूज टू स्टोर डेटा, राइट? सो राइट आंसर इज सी, मैग्नेट. सेकेंड, द सेकेंड जनरेशन यूज टू मैग्नेटिक जनरेशन यूज मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक टेप्स वे आर यूज टू स्टोर डेटा. नाउ थर्ड, हर्मन हॉलरिट्स इन्वेंटेड डैश. सो वी हैव लर्न दैट काउंटिंग टूल्स द एवोल्यूशन कम्स टू द हर्मन हॉलरिट्स एंड ही इन्वेंटेड टैब्यूलेटिंग मशीन. टैब्यूलेटिंग मशीन, हर्मन हॉलरिट्स इन्वेंटेड टैब्यूलेटिंग मशीन. सो आंसर इज सी, टैब्यूलेटिंग मशीन. फोर्थ, द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज. फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. दिस कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. मार्क वन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर. सो राइट आंसर इज मार्क वन. मार्क वन, द फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज मार्क वन. नाउ डन एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. सो हियर द हिंट्स आर गिवन हियर एंड यू नीड टू फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हिंट्स. फर्स्ट, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. यू ऑल नो द आंसर्स. वी हैव प्रैक्टिस सो मेनी टाइम्स दैट चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड ही इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन. सो वहाँ से कंप्यूटर्स बनाने की शुरुआत हुई थी. दैट इज़ वाई चार्ल्स बेबेज एज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. सेकेंड, डैश इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन हिस्ट्री, कंप्यूटर हिस्ट्री. डैश इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन कंप्यूटर हिस्ट्री. सो लेडी एडा लवलेस, लेडी एडा लवलेस इज द वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर एंड सी इज नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. वाई? बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू बेबेज, चार्ल्स बेबेज को जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए फॉर एनालिटिकल इंजन, वे आर इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड फर्स्ट एंड द फर्स्ट पर्सन लेडी एडा लवलेस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट करने वाले लेडी एडा लवलेस फर्स्ट पर्सन थे. दैट इज वाई सी इज नोन एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. नाउ थर्ड वन, यूनिवेक. यूनिवेक वॉज इन्वेंटेड बाय डैश एंड प्रेस्पर
Eckert. So we have learned in the first generation computer, UNIVAC or ANIC. ANIC and UNIVAC invented by the same inventor, John Moseley and Prosper Eckert. So right answer is John Moseley. Fourth, DAS introduced the PCXT, personal PC. DAS introduced the PCXT. So in the fourth generation computers, IBM in the year 1983, IBM introduced the PCXT, which had more memory and more hard drive space. So we know that in the fourth generation computers belongs to desktop computers, right? So desktop computers mein kya hota hai, data store karne ke liye hard disk. So IBM is the company that introduced PCXT, which had more memory and more hard drive space. Now clear? Now exercise C. Write T for true and F for false. T for true and F for false. First, early man used to count with a calculator. So this statement is false. Early man used to count with stones, pebbles, or they crowd the on the clay. They use fingers, they use sticks. Okay, so they didn't count with the calculator. They used these things. So this statement is false. Second, abacus is used to calculate number at low speed. Abacus is used to calculate number at low speed. So this statement is also false. Abacus is used to calculate numbers in very fast speed because the bits are there. So it used to calculate the numbers very fast. Third, VLSI stands for very low scale integration. So what is the full form of VLSI? We underlined and we also learned this. What is the full form of VLSI? Very large scale integration, not very low scale integration. So this statement is also false. Fourth, GUI. What is the full form of GUI? Graphical user interface. So GUI operating system was in third generation. So this statement is also wrong. GUI operating system was in fourth generation, not third generation. So in the year 1985, Microsoft released the first version of Microsoft Windows, and this is the operating window of GUI. Now, fifth, personal computer was developed by IBM in 1984. Personal computers was developed by IBM in 1983, not 1984. So this statement is also false. So here all the statements are false. Now match the following. Exercise D. Match the following. First calculating device. So see the all the options A, B, C, D. B, abacus. After early counting tools, abacus was the first calculating device. Second, first mechanical calculator, Pascaline was the first mechanical calculator, and it could perform only two operations, addition and subtraction. Now third, first electromechanical computer.
first electromechanical computer, that was Mark I. It belongs to generation A, first generation, Mark I. First electronic computer. Answer is A, ANIC. ANIC was the first electronic computer. Now let's do it. Exercise A, short answer type questions. First, how did people calculate or count in the older times? In early humans times, how did they count the things? So they were used to count with the help of fingers, toes, pebbles, stones, sticks and bones. These were the early counting tools, and the people used to count like these. Second, which generation computers used microprocessor? So what is microprocessor? That thousands of transistors were placed on a single chip called microprocessor, right? So microprocessor jo desktop PC mein insert kare jaate hain, wo computers kab se bane the? Fourth generation se wo banane ki shuruaat hui thi. To fourth generation computers used microprocessor. Third one, who invented the digital mechanical calculator called step reckoner? So step reckoner got invented by the Gottfried Wilhelm Leibniz was the mathematician, and he invented the digital mechanical calculator called step reckoner. Okay, so we have learned MCQs, fill in the blanks, match the followings, and short answer type question. Now long answer type questions and some part of worksheets we will do in our next session. Okay children, till then take care, be happy, thank you.